Hello learners, welcome back to my YouTube channel. This is the third and the final video from your history chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, इससे पहले के वीडियो में हमने लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी को डिस्कस किया. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कैसे आया, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुए, सोशलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा, जो डिफरेंट सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा. उसके साथ हमने जो ब्लडी संडे था उसके बारे में पढ़ा. सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जो व्लादिमीर लेनिन ने इस्टेब्लिश की थी, उसके बारे में जाना, कैसे वो मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स में डिवाइड हो गई. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये सब टॉपिक्स हम अपनी पुरानी वीडियोस में, इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड. सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था और लोगों ने जर्मन से अपनी हेटर्ड को शो करने के लिए उस पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड कर दिया था, तो हम उसी पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड की बात करेंगे. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके? यस, प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर. आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? एक्चुअली ये उस तरह उस समय का जो पेट्रोग्राड था उसका एक डिस्क्रिमिनेटिव रूप दिखा रही है. ये एक रिवर नेवा है जो बीच में आप देख पा रहे हो, दैट इज़ रिवर नेवा. और ये पेट्रोग्राड के बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से बहती थी. ये रिवर नेवा का लेफ्ट साइड है जहाँ पर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, किंग का पैलेस, सभी ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स देख पा रहे होंगे. और ये रिवर नेवा का राइट साइड है जहाँ पर सर्वेंट या वर्कर्स क्वार्टर होते थे. तो एक तरफ रिवर नेवा के राइट साइड में सारे जो घर थे वो वर्कर्स के थे, छोटे छोटे घर थे, छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी. और रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में किंग का पैलेस, उनकी पार्लियामेंट, सारे ऑफिशर्स, सारी बिल्डिंग्स सब वहीं पर थी. तो इस शहर की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको देखने से ही लगता है कि ये खुद में ही एक डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लोगों के बीच में भेदभाव कर रहा है. हम बात करेंगे फरवरी 1917 की. हम बात कर रहे हैं फेब्रुवरी 1917 की. और उस समय पर जो विंटर थी वो बहुत चिल्ड थी, एकदम ठंडी विंटर थी, स्नोफॉल हो रहा था. और उस चिल्ड विंटर की वजह से जो हार्वेस्ट है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. हार्वेस्ट एकदम से बैड थी. हार्वेस्ट के से कुछ भी आपको सीरियल नहीं मिला था, अनाज नहीं मिला था. और उस की वजह से जो पार्लियामेंट्री थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, वो चाह रहे थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रोटेक्ट करे. हालांकि वो इस बात के अगेंस्ट थे कि जो जार है वो बार बार ड्यूमा को डिसॉल्व कर रहा है, दैट वाज नॉट अ राइट थिंग अकॉर्डिंग टू दैम. वो चाहते थे कि जो जार है वो एब्सल्यूट हो रहा है, एब्सल्यूट मोनार्क हो रहा है, और उसकी पावर को कंट्रोल करना चाहिए, जो कि केवल ड्यूमा एक पार्लियामेंट ही कर सकती है. और जार बार बार उसको डिसॉल्व कर रहा है तो वर्कर्स जो थे वो उसके फेवर में नहीं थे. लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि इस बैड टाइम में, इस पैनडेमिक टाइम में, जब उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो जो किंग है वो उसकी उनकी हेल्प करें. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. हम बात करते हैं 22 फरवरी 1917 की, जब एक लॉकआउट राइट बैंक जो था नेवा का, नेवा के राइट साइड पे मैंने अभी आपको बताया था सारे वर्कर्स क्वार्टर थे, ठीक है, और राइट लेफ्ट साइड पे सारे ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स और किंग का पैलेस सब लेफ्ट साइड पे था. तो राइट साइड में एक जो बैंक है उसमें लॉकआउट हो जाता है, और जिसके विरोध में उसको सिंपैथी देने के लिए जो 50 वर्कर्स हैं वो एक
50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो एक स्ट्राइक अनाउंस कर देती हैं. क्रॉस्ड द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेवेकी प्रॉस्पेक्ट. हालांकि उनकी वो क्रॉस करते हैं और फैक्ट्री क्वार्टर से सेंटर यानी कि जहाँ पर कैपिटल थी उसके बिल्कुल सेंटर में सारे इकट्ठा हो जाते हैं अपने स्ट्राइक को अपनी पावर को शो करने के लिए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है. ऑफिशियल जहाँ पर वो खड़े थे उस जगह पर के चारों तरफ उनके ऑफिशियल बिल्डिंग्स और फैशनेबल क्वार्टर्स थे जिससे वो अपने आप को और असहाय महसूस कर रहे थे. देन जो गवर्नमेंट थी जो किंग है वो कर्फ्यू अनाउंस कर देता है. कर्फ्यू का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहाँ पर सारे जो ड्यूमा है वो सस्पेंड हो जाती है और सारे जो राइट्स हैं वो एक पर्सन के पास चले जाते हैं. डेमोंस्ट्रेटर्स जो थे वो इवनिंग तक वापस चले जाते हैं अपने अपने घर, लेकिन 24th और 25th को वो दोबारा से उसी प्लेस पर इकट्ठा होते हैं और अपनी डिमांड्स को फिर से रखते हैं. और इस बार जो गवर्नमेंट है वो कैवलरी बुला लेती है और पुलिस को बुला लेती है ताकि वो उनके ऊपर नज़र रख सकें. 25th ऑफ फरवरी दैट वाज संडे, उस दिन जो गवर्नमेंट है वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है. पॉलिटिशियन इसके अगेंस्ट इस एक्टिविटी के अगेंस्ट बोलते हैं. जो डेमोंस्ट्रेटर्स हैं वो वापस से आते हैं गलियों में 26th को लेफ्ट बैंक यानी कि जहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स और किंग का पैलेस था वो वहाँ पर आते हैं उसकी गलियों में आकर के स्ट्राइक करते हैं. एंड ऑन द 27th जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसको अपने अंडर कर लिया जाता है. चारों तरफ स्ट्रीट्स जो हैं वो लोगों से भर जाती हैं, नारों से भर जाती हैं. और ये नारे होते किस बात को लेकर हैं, सारे स्लोगन्स बोल रहे हैं. और ये स्लोगन्स हैं क्या, उनको वो अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं. उनको ब्रेड मिले, मनी मिले, वर्किंग आवर्स कम हो, उन्हें राइट टू वोट मिले, ये सब वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं. और ये डिमांड, इन डिमांड्स के वो स्लोगन बना करके पूरी स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं तो सारी जो गलियां हैं वो इन्हीं स्लोगन्स से गूंज जाती हैं. अब जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो फिर से कैवलरी को बुलाती है. लेकिन इस बार जो कैवलरी आती है वो क्या करती है, इन वर्कर्स के साथ ज्वाइन हैंड कर लेती है, मीन्स इनके साथ मिल जाती हैं. और इनके ऊपर वो कोई भी फायर नहीं करती है, वो कोई भी गोलियां वगैरह नहीं चलाती हैं. और इवनिंग होते होते यानी शाम होते होते सोल्जर्स जो हैं और वर्कर्स हैं वो एक काउंसिल और एक सोवियत बना लेती हैं जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत नाम दिया जाता है. ये सब उसी बिल्डिंग में मिलते हैं जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी. और ये उसको एक प्रॉपर अपनी उस काउंसिल को नाम देते हैं पेट्रोग्राड सोवियत. और द वेरी नेक्स्ट डे उससे अगले ही दिन एक डेलीगेशन बनाया जाता है जिसके अंदर मिलिट्री कमांडर्स होते हैं और कुछ वर्कर्स होते हैं. वो किंग के पास जाते हैं उन्हें ये कहने के लिए कि वो ड्यूमा को इलेक्ट करें और अपने जो रेजिग्नेशन है वो दे दें. अब उस समय पर जो किंग होता है उसको लगता है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कैवलरी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी मेरी खुद की सेना भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है. तो आई हैव नो अदर ऑप्शन और मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी. और फाइनली वो मान जाता है और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देता है. और अब रशिया का फ्यूचर कैसा होगा ये उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसाइड होना था जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मूवमेंट के कारण ही बनी थी. इस तरह से जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ 1917 में उसका रिजल्ट क्या रहा, मोनार्की का
फॉल, यानी फॉल टू द मोनार्की, किंग का ख़त्म कर दिया गया और एक प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। आई होप मैं आपको यहाँ तक क्लियर हूँ स्टूडेंट। क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट थी? जो सोवियत लीडर्स और ड्यूमा थे, निकोलस जो है वो अपने भाई माइकल को क्राउन ऑफर करता है बट वो उसे रिजेक्ट कर देता है। ड्यूमा फिर से आ जाती है और इस बार वो उस क्लास को, उन लोगों को दिखा रही है जो इनके पास प्रॉपर्टी ऑन करके रखते हैं, और इस पूरी रिवॉल्यूशन का रिजल्ट निकलता है फॉल टू द मोनार्की। अब ये तो हमने बात कर ली फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वहाँ पर गवर्नमेंट बन गई और पीसफुली रूल होने लगा? इतनी भी क्या जल्दी है? लेट्स सी व्हाट चेंजेस आफ्टर द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन। फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन के बाद आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स और बिग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बहुत पावरफुल थे प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट में। बट द लिबरल्स एंड सोशलिस्ट अमंग देम वर्कड टुवर्ड्स एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती थी उनको हटा लिया गया। सभी तरफ पेट्रोग्रेड सोवियत्स बनाई गई। अब जो बोल्शेविक लीडर्स थे व्लादिमीर लेनिन, वो 1917 में वापस आ जाते हैं। उनका जो वनवास था उसको ख़त्म करके वो दोबारा से एंट्री मारते हैं, और जो बोल्शेविक्स हैं वो कभी भी वॉर के फेवर में नहीं थे। व्लादिमीर लेनिन कभी नहीं चाहता था कि रशिया उस वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट बने जो कि 1914 से 1918 तक चला था। और वापिस आते ही उसे लगा कि यही वो टाइम है जब उसे पावर को कंट्रोल कर लेना चाहिए, और उसने डिक्लेयर करा वॉर वुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज। अब वॉर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाना चाहिए। लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, जितनी भी लैंड है वो सब किसानों में बांट देनी चाहिए। एंड बैंक वुड बी नेशनलाइज्ड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये जो थ्री डिमांड्स एक तरह से कह सकते हो, ये जब उसने डिक्लेयर किया इन डिमांड्स को, तो इसे ही लेनिन की थीसिस कहा जाता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लेनिन्स अप्रैल थीसिस क्या थी? 1917 में अप्रैल के महीने में लेनिन वापस आता है, उसे लगता है पावर कंट्रोल कर लेनी चाहिए, और वो पावर को कंट्रोल करता है। और तीन डिमांड्स, तीन डिक्लेरेशन अनाउंस करता है, जिसमें पहली है युद्ध ख़त्म हो जाए, सेकंड है जो लैंड है वो पीजेंट्स में, किसानों में बांट दी जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये थ्री डिमांड्स ही अप्रैल थीसिस कहलाती हैं। एम आई क्लियर? यस। अब उसने जो उसकी पार्टी थी बोल्शेविक्स पार्टी, उसका भी नाम बदल दिया और उसे कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। हालांकि जो शुरुआत में जो बोल्शेविक्स पार्टी थी वो बड़ी सरप्राइज हुई थी उसकी अप्रैल थीसिस को लेकर, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि शायद जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है उसके पकने का समय हो गया है, उसको धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो होना है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थी बोल्शेविक्स की, उन्हें लगता था कि जो बोल्शेविक्स, दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के राइप होने का टाइम नहीं आया है और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन समर तक आते आते जो वर्कर्स के मूवमेंट हैं वो चारों तरफ फैलने लगे, फैक्ट्री कमेटीज़ बनने लगी, ट्रेड यूनियंस बनने लगी, सोल्जर्स ने अपनी अलग से कमेटीज़ बना ली,
500 जो सोवियत्स थे उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में। अब जैसे ही लेनिन ने वापसी करी, धमाकेदार तो थी ही, और वर्कर्स जो हैं वो पहले से ही लेनिन को पसंद करते थे। तो नाउ अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसने देखा कि जो बोल्शेविक्स पार्टी है उसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ्टर द मोनार्क फॉर्म की गई थी उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। तो अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसे कुछ तो करना है ना, कि ताकि इसकी जो पॉपुलराइज्ड है वो थोड़ा कम हो जाए, ये थोड़ी कम पॉपुलर हो। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मेथड अपनाया कि जो वर्कर्स हैं अब उन्हें ही मैं हथियार बनाऊंगी और उनको कंट्रोल करूंगी, बोल्शेविक्स को अनपॉपुलर बनाऊंगी। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेसिस्टेड यानी कि बिल्कुल दबाने वाले वर्कर्स के अगेंस्ट जो फैक्ट्री चला रहे थे उनके अगेंस्ट ऐसे तरीके अपनाए, उनको एक्सप्लॉयट किया गया, उनके जो लीडर्स थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे उन्हें अरेस्ट किया गया, पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस मेड बाय बोल्शेविक्स, इसके अगेंस्ट जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया जुलाई 1917 में, उसे भी फोर्सफुली दबा दिया गया। अब जो बोल्शेविक लीडर्स थे उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो छुपकर अपना काम करें या फिर वो वहाँ से चले जाएं। अब लैंड जो है गांव में उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लैंड कमेटीज बनाई गई, जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे उनको इनकरेज किया गया, जो पीजेंट्स की कैप्चर्ड लैंड थी जुलाई सितंबर में उसको कंट्रोल कर लिया गया। मेरे कहने का मतलब है कि जुलाई और सितंबर 1917 आते आते जो पीजेंट्स थे उनको उनके हिस्से में जो लैंड आ चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि ये सब जो आगे चल रहा है, हम जुलाई सितंबर तक आ गए हैं, अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर का रिवॉल्यूशन। अक्टूबर का रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि बोल्शेविक्स या लेनिन जो है वो पॉपुलर ना हो लोगों के बीच में, और लेकिन लेनिन भी शांत बैठने वाला नहीं था। उसने डिक्लेयर किया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप अपना रही है, यानी कि हिटलर एक निरंकुश शासन बनने की कोशिश कर रही है। लेनिन ने डिस्कस स्टार्ट किया, जो बोल्शेविक्स हैं उनके सपोर्टर्स ने आर्मी को, फैक्ट्रीज को, सोवियट्स को वो दोबारा से डिस्कशन करके उनके साथ उनको इन्फ्लुएंस करके दोबारा से अपने साथ लेकर आए। परसुएडेड पेट्रोग्रैड सोवियत एंड बोल्शेविक्स पार्टी टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर ऑन 16 अक्टूबर 1917, और उन्होंने पेट्रोग्रैड सोवियत थी और बोल्शेविक्स पार्टी को मना लिया था कि 16 अक्टूबर 1970 को वो पावर को सेज कर दे, यानी कि पावर को कंट्रोल कर ले, अपने हाथ में ले ले। अब एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है लियोन ट्रॉट्स्की, इसकी जो ट्रॉट्स्की के गाइडेंस में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेट को सीक्रेट रखा जाता है ताकि डेट लीक ना हो, और 24 अक्टूबर 1917 को जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे वो शहर को छोड़ देते हैं और सेना को बुला लेते हैं। उन्हें थोड़ा संदेह होता है कि कुछ होने वाला है, और इन द मॉर्निंग मिलिट्री पर्सन्स हु वर लॉयल टू द गवर्नमेंट सेज्ड द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर, यानी कि वो आर्मी जो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती थी वो आकर के इन के दो जो न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स थी उनको सीज कर देती है, और टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस उन सब को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, और आर्मी कोशिश करती है कि विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया जाए।
In a swift reaction, the Military Revolutionary Committee ordered its supporter to seize government offices and arrest ministers. और इन सब के अब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी जो होती हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो अपने सपोर्टर को, क्योंकि उनकी जो दो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी उनको सेज कर दिया गया, उनको रोक दिया गया, अपने कब्जे में कर लिया, तो अब उनका रिएक्शन क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। और उन्होंने रिएक्शन किया कि उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सबको अपने कब्जे में ले लो और जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबको अरेस्ट कर लो। विंटर पैलेस के लिए एक ऑरोरा नाम का एक शिप भेजा गया और नेवा के जितने भी वैसल्स थे सबको, अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स को सबको अपने कब्जे में ले लिया गया। और रात होते होते कमेटी ने कंट्रोल कर लिया पूरी सिटी के ऊपर और सारे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। इस तरह से जो मेजॉरिटी थी उन्होंने अप्रूव किया कि बोल्शेविक्स ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया और बहुत सारे सिटीज़ के अंदर जो भी वो कर रही है वो ठीक कर रही है। हालांकि एक हैवी फाइट हुई थी मॉस्को में, बट लेटर ऑन बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्राड के एरिया को दिसंबर आते आते तक अपने अंडर कर लिया था, यानी उसे भी कंट्रोल में कर लिया था। अब ये तो हमने पढ़ा कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, अक्टूबर में क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अक्टूबर के बाद बदल क्या गया, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। नवंबर 1917 में, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, बोल्शेविक्स ने किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं किया और नवंबर 1917 में जो मोस्टली जो बैंक्स थे या इंडस्ट्रीज थे सबको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। This meant that the government took over ownership and management. Land जो थी उसको social power social property announce कर दिया गया और peasants को allow किया गया कि वो उस land के ऊपर जो nobles के कब्जे में थी उसको अपने कब्जे में कर लें। Once again I repeat, अक्टूबर के बाद बोल्शेविक्स पार्टी अपने फुल सपोर्ट में थी, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं किया एंड मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी, बैंक्स थे, सबको नेशनलाइज्ड कर दिया। अब जो गवर्नमेंट है, जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, पीजेंट्स को नोबलमैन से लैंड छीनने के लिए कहा गया, शहरों में जो लार्ज हाउसेस थे फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको उनका पार्टीशन कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, जितने भी ओल्ड टाइटल्स और एरिस्टोक्रेसी के जितने भी टाइटल्स या पदवियां होती थी उन सबको बैन कर दिया गया। तो आप देख सकते हो कि बोल्शेविक्स ने गवर्नमेंट में आते ही जैसे ही पावर उनके हाथ में आई तो उन्होंने कैसे कैसे बिग डिसीजंस लिए। ये जो चेंजेस बोल्शेविक पार्टी या लेनिन कर रहा था इसको शो करना भी ज़रूरी था ताकि लोगों को पता चले कि यही वो लोग हैं, लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि अरे यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा चेंज आया है। तो इसी चेंज को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी एक नई आउटफिट बना ली, नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी आर्मी ऑफिसर्स के लिए। एक क्लॉदिंग कंपटीशन अनाउंस किया गया 1918 में, जिसमें जो वुडेन ऑफ का यानी कि एक सोवियत हैट थी उसे चूज किया गया ताकि इसको पहनने के बाद लोग उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका भी नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट कुंट गेट मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाई। असेंबली ने बोल्शेविक्स के जनवरी 1918 में जितने भी मेजर्स, जो भी तरीके अपनाए थे पावर को कंट्रोल करने के लिए, उन सब को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने उस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया।
Lenin thought the old Russian Congress of Soviet was more democratic than this assembly elected in uncertain conditions. Then March 1918 में वो Bolsheviks made peace with the Germany at Brest-Litovsk. All Russian Congress of Soviet became the parliament of country. Russia became a one-party system. Trade unions came under party control. Or secret police punished those who criticized the Bolsheviks. I hope मैं clear हूँ student. एक one-party system बन गया. सो जो रशियन ऑल रशियन कांग्रेस थी सोवियत्स की वही पार्लियामेंट बन गई देश की और जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उन सब को पार्टी ने कंट्रोल में ले लिया. एक सीक्रेट पुलिस फॉर्म की गई जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करने वालों को पनिशमेंट देती थी और ये जो पुलिस थी ये सीक्रेटली काम करती थी. अब बारी आती है सिविल वार की. जो सिविल वार है वो स्टार्ट हो जाता है. बोल्शेविक्स ऑर्डर्स लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप. बोल्शेविक्स जो है वो ऑर्डर देती है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन रशियन आर्मी उसको नियमों को तोड़ देती है. जो नॉन बोल्शेविक्स सोशलिस्ट थे या सपोर्टर्स थे जो ऑटोक्रेसी के या जो लिबरल्स थे वो बोल्शेविक्स जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा था जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे. लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स जिसे नाम दिया गया रेड्स द रेड्स. ये जो सारे लीडर्स थे बोल्शेविक्स के जो अगेंस्ट थे ये सब साउथ रशिया की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर एक अपनी नई सेना बनाते हैं जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट फाइट कर सके और जिसको नाम दिया जाता है दी रेड्स. क्लियर? यस. आफ्टर दैट ड्यूरिंग 1918 to 1919 ग्रीन्स जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें ग्रीन नाम दिया गया और वाइट्स जो प्रो ट्रस्ट जो प्रो जारिस्ट थे यानी कि जो जार के फेवर वाले थे उन्हें उन दोनों ने रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया था. दे वर बैक्ड बाई फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स. इन सबको सपोर्ट दिया फ्रांस ने अमेरिकन्स ने ब्रिटिशर्स ने और जापान ने और बोल्शेविक्स पार्टी और इन सब के बीच में एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो गई. ओके जिसे नाम दिया गया सिविल वॉर. अब इसका परिणाम क्या हुआ? लूटिंग बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम वेरी कॉमन. जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अमंग वाइट्स टुक हार्श एक्शंस विद पीजेंट्स. उन्होंने किसानों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया. दे लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स और जनवरी आते आते 1920 तक बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर विद द हेल्प गिवन बाय नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जिहादिस्ट्स. जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स ने दोबारा से पूरे रशियन एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर लिया था. किसकी हेल्प से? जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे या जो मुस्लिम जिहादिस्ट थे उनके हेल्प से रशिया को ऊपर अपना अधिकार कर लिया था. नाउ मेकिंग ए सोशलिस्ट पार्टी. अब उनके सामने क्वेश्चन था कि जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कैसे बने, उसे क्या करना चाहिए. मेकिंग अ सोशलिस्ट पार्टी जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज्ड रखा उस सिविल वॉर के दौरान. पीजेंट्स दो हैं उन्होंने कल्टीवेट अलाउ कर दिया लैंड को कल्टीवेट करने के लिए. एक प्लानिंग का प्रोसेस जो था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया. ऑफिसर्स जो हैं वो डे बाय डे एक नई नई असेसमेंट कर रहे थे कि हमें इकोनॉमी को कैसे इस्टेब्लिश करना चाहिए, हम कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और उसके लिए एक 5 ईयर पीरियड टारगेट किया गया, टारगेट सेट किया गया कि 5 साल की
जो पॉलिसी हैं वो हमें बनानी होंगी, और इस 5 साल में उन्हें करना क्या क्या है इसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1928 टू 1932 यानी कि 5 साल तक चलने वाला ये प्लान था। इसमें एम्फेसिस किसके ऊपर था कि हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, कॉल, आयरन, ऑल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कैसे प्रोग्रेस किया जाए, इनको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, इसके ऊपर फोकस था। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1933 टू 37, इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम और न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस था। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर जो कि 1938 टू 1941 था, इसमें मॉडर्न वेपन कैसे प्रोड्यूस किए जाएं उसके ऊपर फोकस था। और ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ 5 ईयर प्लानिंग करने से ही आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप भी उठाना था। अब क्या किया, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर पीजेंट्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स टू टेक एडमिशंस इन यूनिवर्सिटीज़। चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई, जो क्रैचेस थे वो इस्टेब्लिश किए गए फैक्ट्रीज़ के अंदर, ताकि जो ऐसी फीमेल वर्कर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने साथ ही वहीं पर उन फैक्ट्रीज़ के अंदर अपने बच्चों को केयर कर सकें। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए। इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, लेकिन ये सब करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अनइवन था, कहीं पर हो रहा था कहीं पर नहीं हो रहा था, इट जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट हैड अ वेरी लेस रिसोर्सेज, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में वो कैसे सबकी विशेस फुलफिल करे उसके लिए एक बिग चैलेंज था। और गवर्नमेंट इन सबसे हो चली रही थी तो स्टालिन की एंट्री होती है। अब ये स्टालिन कौन है? एक्चुअली व्लादिमीर लेनिन के बाद पार्टी को जिसने संभाला या जिसको ऑपरेट किया जिसने, वो थे स्टालिन। और 1927 to 28 के बीच में रशिया के अंदर जो टाउन्स थे वहाँ पर ग्रेन की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। अब स्टालिन को लगा कि इस शॉर्टेज के पीछे में भी जो रिच पीजेंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने जो अनाज है उसको स्टोर करके रखा हुआ है। मार्केट्स कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसके बाद उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए स्टालिन ने जो मार्केट्स थी उनको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन और एक रेट निर्धारित कर दिया गया कि इसी प्राइस के ऊपर आप अपना अनाज बेचेंगे, तो जो फार्मर्स थे उन्होंने मना कर दिया उस रेट पर अनाज देने के लिए। फिर जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वहाँ पर टूर किया गया, उनको सुपरवाइज़ किया गया और इन्फोर्स किया गया कि ग्रेन कलेक्शन हो, और जो रेडिंग कुलक्स हैं उन कुलक्स के ऊपर रेड डाली गई। कुलक्स होते हैं जो, ये एक रशियन वर्ड है, जैसे हम यहाँ पर ज़मींदार यानी कि जो किसान से थोड़ा बड़ा किसान होता है जो दूसरे लोगों से अपने खेतों में काम करवाता है, तो उसे वहाँ पर कुलक्स बोला जाता है। उन कुलक्स के ऊपर रेड डाली गई ताकि जो स्टोर करके उन्होंने अनाज रखा है उसको निकाला जा सके, बट शॉर्टेज कंटिन्यूड, लेकिन अनाज की शॉर्टेज तो फिर भी चल रही थी। स्टालिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब व्हाट वर द रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन? अब जब खेतों में जाया गया, उनका सर्वे किया गया, उनको देखा गया, तो स्टालिन को लगा कि इस शॉर्टेज के पीछे रीज़न क्या क्या है। स्टालिन ने निकाला कि जो छोटे छोटे फॉर्म हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, लैंड का जो फॉर्म है, फार्मर का जो फॉर्म है, और उस छोटे लैंड के ऊपर वो खेती कर रहा है, और उसके जो मेथड है खेती करने का वो भी मॉडर्न नहीं है, और मॉडर्न फार्म और इंडस्ट्रियल लाइंस के लिए जो मशीनरी हैं वो भी नहीं है, एंड इट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो कुलक्स हैं उन्हें ख़त्म करना होगा बीच से, कुलक्स होने ही नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने जो लैंड थी वो पीजेंट्स से ले ली, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, और एक इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज
फार्म उसने इस्टेब्लिश किया, एक इस्टेब्लिश स्टेट किया जिसमें जितने भी छोटे छोटे फॉर्म थे, जितने भी छोटे छोटे फॉर्म थे उन सब को, उन छोटे छोटे खेतों को मिलाकर उसने एक बड़ा फार्म बना दिया। क्लियर? अब कलेक्टिव फार्म का मतलब क्या है कि छोटे छोटे खेतों को मिला करके बड़ा फार्म बनाना, उसी से नाम आया कलेक्टिविज्म। ठीक है, तो कलेक्टिव फार्म बना, उस कलेक्टिव फार्म को ही क्या कहते थे, कोलखोज। जैसे जमींदार को कुलक्स कहते थे, वैसे ही उस छोटे छोटे खेतों को मिलाकर जो बड़ा फार्म बनाया था, जो बड़ा खेत बनाया था, उसे कहते थे कोलखोज। एम आई क्लियर? ओके। अब सारे जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया गया कि जो कोलखोज है वहाँ पर खेती करें, और इससे जो बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वो ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। अब जो ऑनर था उस कलेक्टिव फार्म का, मोस्टली प्रॉफिट जो है वो उसको कंट्रोल करके रखता था, और जितना भी कोलखोज का प्रॉफिट होता था वो सबके साथ शेयर होता था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एंगर्ड पीजेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया अथॉरिटी को कि हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सारा प्रॉफिट जो है वो शेयर हो रहा है, हमारे हिस्से में प्रॉफिट कम आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अथॉरिटी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, रेसिस्टेड किया, और उन्होंने अपना अनाज यानी कि अपना जो लाइव स्टॉक था वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी फसल को खुद ही ख़राब कर दिया। 1929 टू 2030 में जो नंबर ऑफ कैटल्स थे वो भी कम हो गए, 1/3 तक आ गए। और अब जब गवर्नमेंट ने देखा, स्टालिन ने देखा, पीजेंट्स बहुत गुस्सा कर रहे हैं, हमें फेवर नहीं कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं, तो उन्हें सीवियरली पनिश्ड किया गया। अब स्टालिन चुप तो बैठता नहीं कि चलो इंजॉय करते हैं, नहीं, उसने सीवियरली पनिश्ड किया उन सबको और उन्हें वहाँ से भगा दिया, कुछ को तो वहाँ से भगा दिया। उसके बाद पीजेंट्स ने आर्ग्यू किया कि हालांकि वो ज़्यादा रिच नहीं हैं और इसलिए वो सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं हैं, लेकिन उनके पास वैरायटी ऑफ रीजंस थे जिससे वो स्टालिन के कलेक्टिव फॉर्म में खेती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अब वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, इट डजंट मीन कि वो सोशलिज्म नहीं चाहते हैं। अब ये तो हमने सारा पढ़ा कि रशिया के अंदर क्या हो रहा था। अब उस रशियन रिवॉल्यूशन का और यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था, पूरे वर्ल्ड पे उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, ये भी जानना ज़रूरी है। सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप वर नॉट टू सपोर्ट द वे द बोल्शेविक्स टू पावर। जो सोशलिस्ट पार्टी ने यूरोप में जिस तरह से पावर को कंट्रोल किया था, बोल्शेविक्स को, उसके सपोर्ट में नहीं थे। एंड दिस सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वॉज ड्यू टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स स्टेट। और ये जो सोशलिज्म को केवल इसलिए सपोर्ट किया गया था क्योंकि वो वर्कर्स की स्थिति को समझ रहे थे, उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं था। बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज़ फॉर्म हुई थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब उसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि बाकी देशों में भी जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी डिमांड्स के लिए वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे, सड़कों पर आने लगे। उन्हें लगा कि इससे ये एक अच्छा तरीका है अपनी बात लोगों तक, अपने लीडर तक पहुंचाने के लिए। और बोल्शेविक्स ने इनकरेज किया बहुत सारे ऐसे कॉलोनियल पीपल को कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो भी करें, मे बी उनको लिबर्टी मिल जाए। ईस्ट में 1920s में कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पर कॉमिंटर्न एक इंटरनेशनल यूनियन होती है जो प्रो बोल्शेविक्स सोशलिस्ट पार्टी की एक इंटरनेशनल यूनियन होती है, कॉमिंटर्न फॉर्म होती है। यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के वर्कर्स को ईस्ट को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यूएसएसआर है वो सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस देने में कामयाब हो जाती है, यानी कि पूरा वर्ल्ड अब उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा था।
1950s में ऑब्जर्व किया गया कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है यूएसएसआर की और जो आइडियल्स थे रशियन रिवोल्यूशंस के, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए. उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस था. बैकवर्ड कंट्री जो हैं वो ग्रेट पावर बनना चाहती हैं, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहते हैं, लेकिन पुअर जो है वो और ज़्यादा भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं मिल रहा है. लेकिन जो असेंशियल फ्रीडम है उनके सिटीजन्स को, उसको डिनाइड नहीं किया जा सकता. और बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उनको लीड किया गया, उनको चलाया गया. अब जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन, बट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्टिल एंजॉयड. जो सोशलिज्म का यूएसएसआर का मेन जो मकसद था वो अभी फुलफिल नहीं हुआ था. वो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो गिरती जा रही थी, लेकिन सोशलिज्म का जो मतलब था लोग उसको अभी भी इंजॉय कर रहे थे. एंड दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कमेंट मी. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अब आप इसकी वर्कशीट्स कर सकते हैं जो कि आप इजीली कर पाएंगे. एंड If you have any doubt, you can ask me. I definitely give you the answer. If you like my videos and it proves helpful to you, then subscribe my channel. Share with your friends and give like also. Stay safe, stay healthy. Have a nice day.